आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। यूपी के बरेली जिले के किला थाना क्षेत्र की किला नदी में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली के थाना किला क्षेत्र के किला छावनी के रहने वाले अनवर के दो बेटों अन्नू और इमरान को स्थानीय लोगों ने सफेद कट्टे को किला नदी में नीचे फेंकते देखा। लोगों को शक हुआ कि इतनी सुबह यह लोग गाय के अवशेष फेंक रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को पहले से ही ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि यह लोग गौकशी कर रहे हैं। कट्टा फेंक रहे अन्नू और इमरान को रुकने के लिए कहा तो वह रुके नहीं, कट्टे को फेंक कर भाग गए। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन आजाद हिंदू सेना के अध्यक्ष अमित राठौर, गौतम कश्यप जिलाध्यक्ष, गौरक्षा प्रकोष्ठ, शिवम गंगवार, अंकुर वाजपेयी, नीरज राणा, वैभव शुक्ला, प्रतीक वाजपेयी, गौतम यादव, सचिन राठौर तथा विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा के जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों ने कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें गाय के अवशेष थे। तत्काल पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोवंश के अवशेषों को कब्जे में ले लिया और आशीष शर्मा की तहरीर पर दोनों गौकशी के आरोपियों पर गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। बताया जाता है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आजाद हिंदू सेना के अध्यक्ष अमित राठौर का कहना है कि उनको बहुत पहले से सूचना प्राप्त हो रही थी कि आरोपी गौकशी के कार्य में लिप्त है। लोगों ने उनको कट्टा फेंकते हुए देखा, उस कट्टे में गौवंशीय पशु के अवशेष बरामद हुए हैं। इससे साफ हो गया कि यह लोग गौकशी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि किला छावनी में एक अन्नू नाम का व्यक्ति गौकशी कर रहा है, जिसके पिता का नाम अनवर है और ये व्यक्ति काफी लंबे समय से गौकशी कर रहा था। आज सूचना भी हम लोग पहुंचे तो हम लोग जानकारी प्राप्त की कि इसने गौवंश के अवशेष किला नदी में फेंके हैं, जिस पर लोगों ने इसको आवाज दी, वहां से भाग गया। जब कट्टे को खोलकर देखा गया तो उसमें गाय का शेर, खाल एवं खून, उसके अवशेष प्राप्त हुए, जिसकी सूचना किला थाने को दी गई। किला थाने तत्परता दिखाते हुए किला पुलिस ने इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया फॉरेंसिक जांच के लिए, जिसमें डॉक्टर आया, उसने ये प्रमाणित किया कि ये गौवंशीय पशु के अवशेष हैं और ये एक गाय के नहीं, ये कई गायों के अवशेष हैं और ये व्यक्ति लंबे समय से तस्करी करता चला रहा है। उसको हम लोगों ने अवशेषों को गड्ढे में दफना दिया है जांच होने के उपरांत, और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गौ तस्करों को चिन्हित किया जाए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए एवं जो ये भी सरकार की बेईमानी कार्रवाई चल रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर पर भ्रष्टीकरण की कार्रवाई भी की जाए। जो गौ अधिनियम की धारा जो बनी हुई है वो धारा काफी हल्की है और सरकार को इसमें कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसको संशोधन किया जाए और ये अगर इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी तब इन लोगों के हौसले परस्त होंगे। जो भी सरकार अभी तक बड़े बड़े माफियाओं पे बिल्डर कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों पे अगर बिल्डर कार्रवाई होगी तब ये लोग घटना रुकने का नाम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।